फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम गाने का लिसन करेंगे, दिल आजकल फ्रॉम द मूवी पुरानी जींस। और इसमें हम तीन पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, जो गाने का इंट्रो मेलोडी लाइन है वो करेंगे। सेकंड पार्ट में हम करेंगे कॉर्ड्स गाने का। थर्ड पार्ट में करेंगे जो गाने का इंटरल्यूड में एक गिटार सोलो बजता है उसका करेंगे, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट गिटार लेसन है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बजा के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बजाना है टैब के साथ, ठीक है। तो ये है जो मेलोडी लाइन है, इंट्रो मेलोडी लाइन यही चलता है। तो इसको अभी मैं आपको टैप बताता हूँ कैसे बजाना है, ठीक है। वो फोर्थ फ्रेट में रहेगा और जो स्टार्टिंग है सेकंड स्ट्रिंग का नाइन्थ फ्रेट में आपको फर्स्ट फिंगर रखना है, 9, 11, 12 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, फिर 11 ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, 9 ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 12 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, 11 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, 9 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 11 ऑन द थर्ड स्ट्रिंग और फिर 9 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग। ये हुआ स्टेप वन, ठीक है। तो स्टेप वन फिर से मैं बजाता हूं। ठीक है, तो आप टैब स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर से मैं बताता हूं, 9 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, 11 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, 12 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 11 ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, 9 ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 12 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, 11 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, 9 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग, फिर 11 ऑन द थर्ड स्ट्रिंग, 9 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग। ये स्टेप वन है। मैं आपको सेकेंड स्टेप दिखाऊंगा, बजा के पहले दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टैब के साथ कैसे बजाना है। ठीक है, तो इसको बजाने के लिए आपको 7 स्लाइड 9 टैप देख सकते हैं आप, फिर 11 ऑन द, इसको बजाने के लिए आपको सेकंड स्ट्रिंग में 7 स्लाइड 9 करना है, ठीक है। उसके बाद 11 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, 12 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, 11 ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, 9 ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 12 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, 11 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, फिर 11 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, फिर 12 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, 11 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, 9 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग। ये है आपका सेकंड स्टेप। तो इसको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप फिर से बजाता हूं। ठीक है, तो इसमें अभी थोड़ा टेक्निक अगर मैं बताऊं तो मैं एक हैमर ऑन पुल अप कर रहा हूं। जब मैं नाइन्थ नोट बजा रहा हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग में, तब एक इलेवेंथ नोट में मैं हैमर ऑन पुल अप दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर जब सेकंड स्ट्रिंग में वापस आ रहा हूँ तो नाइन्थ नोट में एक हैमर ऑन पुल अप दे रहा हूँ सेकंड स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये है टेक्निक्स। तो मैं फिर से बजा के दिखाता हूं ट्रैक के साथ, ठीक है। तो ये था इंट्रो मेलोडी लाइन का लेसन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और हर सैटरडे को जो म्यूजिकल क्विज होता है, प्लीज उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये लेसन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट गिटार लेसन।